हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम यहाँ एक कंपनी के ऊपर बात करने के लिए आए हैं जिसका नाम है क्यूनेट। क्यूनेट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा चल रही है, तो हम उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। बिकॉज मेरे सारे काफी जो फ्रेंड हैं वो इसके अंदर जाके फंस चुके हैं, मोर देन 95% लोग हैं वो रो रहे हैं। तो मेरे को लगा कि इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा है क्या कि इतने सारे लोग जो है इस क्यूनेट का शिकार हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूं और अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्यूनेट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अभी यहां पे। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्यूनेट लीगल है या इलीगल है। फर्स्ट टर्म यहां से आती है क्योंकि हम लोग जब क्यूनेट वालों से मिलते हैं हम बोलते हैं कि आप इलीगल हो। हम क्यूनेट वालों से मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि आपकी कंपनी इलीगल है और वो लोग प्रूव कर देते हैं कि हमारी कंपनी इलीगल नहीं है। बिकॉज एज पर लो क्यूनेट ही नहीं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर उसके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है तो वो इलीगल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्यूनेट इलीगल नहीं है, तो इसलिए जो भी चीज इलीगल नहीं है उसको ऑटोमेटिकली लोग लीगल मान लेते हैं, तो ये उनका रहता है कि इसलिए हम लीगल हैं। तो हम बात करेंगे कि इलीगल लीगल वाला हम चैप्टर छोड़ देते हैं, बिकॉज लीगल इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी ग्रे है, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं कि क्या क्यूनेट को प्रमोट करना सही है और क्या रीजन होता है कि हम लोग फंस जाते हैं 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, 7,00,000 रुपए, इतना पैसा हमारा जाता है और हम लोग दे देते हैं उन लोगों को। तो ऐसा क्या वो हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा क्या वो हमारे साथ बातें करते हैं और क्या वो हमारे को रीजंस देते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को उन पर ट्रस्ट बन जाता है। तो हमने सबसे पहले चीज हम जानना चाहते हैं के ऊपर हम जो बात करेंगे अभी, सॉरी, कि क्या क्यूनेट एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है। तो मनी सर्कुलेशन कंपनी के ऊपर हम एक बार बात करते हैं। मनी सर्कुलेशन में क्या होता है कि लेट सपोज आप, मैंने बोला कि आपने 1,00,000 रुपए दिया, आप 1,00,000 रुपए दो और आप अपने नीचे 1,00,000 रुपए लेफ्ट में, 1,00,000 रुपए राइट में इन्वेस्टमेंट कराओगे तो यू विल गेट सम अमाउंट, लेट सपोज 15,000। मैं श्योर नहीं हूं, ये मैं एक एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं कि आप, मैंने आपको बोला कि आप 1,00,000 रुपए लो, हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, आप 1,00,000 लेफ्ट में लेके आते हो, 1,00,000 राइट में लेके आते हो तो आपको मिलेगा 15,000 रुपए। तो ये क्या है, ये है प्योर मनी सर्कुलेशन, दिस इज मनी सर्कुलेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि तो इसलिए क्या करते हैं ये कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे क्यूनेट जो कंपनी है, इसने क्या किया कि इसने देखा कि यार ब्लैक एंड व्हाइट तो ये है कि कोई प्रोडक्ट होना चाहिए और मनी सर्कुलेशन में कर नहीं सकते विदाउट प्रोडक्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये भी हम पहले बात करते हैं दैट वाज इलीगल, तो बट ये कंपनी क्या करती है, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट रखती है प्लस 99,000 रखते हैं अमाउंट, मतलब 1,00,000 रुपए, 1,000 का प्रोडक्ट 99,000 उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज करती हैं। सेम यही चीज प्लस दिस प्लस दिस। तो हमने जैसे देखा कि पहले वाला जो हमारा वो था, पहले हमारा एग्जांपल में हमने जैसे डिस्कस किया कि पहले वो प्योर मनी सर्कुलेशन था क्योंकि 1,00,000 रुपए लेफ्ट लो 1,00,000 राइट लो तो वो मनी सर्कुलेशन आ जाता। तो ये कंपनी ने क्या किया कि सिस्टम के साथ प्ले करने के लिए कि हमारा लीगल सिस्टम जो है, इसने बोला कि यार हम मनी सर्कुलेशन तो कर नहीं सकते बट करना तो मनी सर्कुलेशन ही है, तो करें क्या, एक काम करते हैं, एक थर्ड क्लास प्रोडक्ट जो 1,00,000 का होगा उसको हम बेचते हैं 1,00,000 रुपए के अंदर और हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन फुलफिल कर देंगे कि हम एक मनी सर्कुलेशन कंपनी है क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो रखा है, बट एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम मनी सर्कुलेशन ही कर रहे हैं। और इन लोगों की बात होती है कि नहीं ये घड़ी हमारी, जैसे कि मैं किसी से मिला था तो उन्होंने बोला कि ये घड़ी अप्रोक्स 1,00,000 की है, उन्होंने बोला कि ये जो घड़ी है 1,00,000 की है, तो कोई नाम बता रहे थे वो कंपनी का, मैंने पता किया तो कोई फेमस नाम नहीं था, मैंने पूछा कि क्या ये रोलेक्स है, उन्होंने बोला नहीं, मैंने कहा राडो है, कह रहे नहीं, तो मैंने कहा कि कोई और कोई फेमस कंपनी है, कह रहे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ये कौन सी है, तो कह रहे कि देखो हमारी वेबसाइट पे ये 1,00,000 रुपए की है, हमारी वेबसाइट पे जाकर देखो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाकर देखो हमारे, और ये 1,00,000 रुपए की बिक रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ये जो मार्कर है इसको OLX पे इसका रेट डाल देता हूं
₹10 लाख, तो क्या ये 10 लाख का हो जाएगा? नहीं होगा। तो सेम चीज है, मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर ₹1,000 की चीज का प्रोडक्ट 1 लाख डाल दू, 1 करोड़ डाल दू, उससे वो 1 करोड़ का नहीं हो जाएगा। क्या किसी अमेजोन या किसी और वेबसाइट पे वो मिल रहा है इतने ही रेट में, या कहीं और बिक रहा है आपकी वेबसाइट के अलावा वो इसी रेट के अंदर? तो हो गया है, आप देख रहे हैं अपनी ही वेबसाइट पे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा रखकर बोलते देखो ये इतना महंगा है। और हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हमारे ऑनलाइन मिल रहा है, अरे उन्हीं का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, OLX पे डाल दोगे और मैं लोगों को दिखाऊंगी देखो ये मार्केट में 25 लाख का मिल रहा है या 10 लाख का मिल रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि बेवकूफ बना रहा है? बट वो लोग सेम वही चीज करते हैं, वो लोग बेवकूफ बना रहे होते हैं, फालतू के लॉजिक देखे कि ये इतना महंगा है, और फिर क्या बोलते हैं कि हम लोग आपको ई कॉमर्स बिजनेस करा रहे हैं। उनका एक और टर्म रहती है कि वो हमेशा बोलते हैं कि वो आपसे ई कॉमर्स बिजनेस करा रहे हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे हो। ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है? ई कॉमर्स बिजनेस है, लेट्स सपोज ये अमेजोन है, यहां पे है, हम कुछ सेलर्स होते हैं यहां पे जो अपना प्रोडक्ट की फोटो और वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो उस फोटो को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि यार उनको ये प्रोडक्ट चाहिए, वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, वेबसाइट नहीं सेल करती, वेबसाइट क्या करती है वही ऑर्डर उस सेलर को प्लेस कर देती है, और प्रोडक्ट हमेशा होता है सेलर का, वो वेबसाइट वो ऑर्डर सेलर को प्लेस कर देती है। तो ये होता है ई कॉमर्स बिजनेस। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप एज ए सेलर कर रहे हैं, जो टर्नओवर हो रहा है वो आपकी कंपनी हो रहा है, यहां पे आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपको ऑर्डर मिल रहे हैं उससे टर्नओवर किसका हो रहा है? आपकी कंपनी का। उससे बिजनेस किसमें है? आपकी कंपनी में। ब्रांड वैल्यू किसकी बढ़ रही है? आपकी कंपनी की बढ़ रही है। ये लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बोलते हैं कि इनकी वेबसाइट है। यहां पर आप एज ए सेलर काम नहीं कर रहे, आप कैसे काम कर रहे हो यहां पर? तो यहां पे ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्यूनिटी वेबसाइट के अंदर अपने प्रोडक्ट को किसी को 1 लाख का, किसी को 10 लाख का, ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं और बोलते हैं कि आप ना उनकी वेबसाइट का प्रोडक्ट आगे सेल करो। तो ये तो वही हो गया कि आपसे, आपको एज ए सेल्समैन बनाया, मतलब काम कराया जा रहा है आपसे, आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, टर्नओवर आपका बढ़ नहीं रहा, हो क्या रहा है? आप दुकान पे कैसे करते हो कि दुकान पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या करते हो, दुकान के प्रोडक्ट बेचते हो। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, आप यहाँ पे एक्चुअल में जो भी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट, उन्हीं का प्रोडक्ट आप सिर्फ बेच सकते हो। आप ये नहीं बेच सकते कि यार मैं कुछ और बेच लूं, अपनी मर्जी का कुछ बेच लूं या अपनी कंपनी के नाम से कुछ बेच लूं, नहीं, उन्हीं का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो और आपको बोलते हैं कि आपने ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो। आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर रहे, आप एक सेल्समैन की तरह जॉब कर रहे हो। और आपके साथ और भी खराब चीज पता है क्या है, कि जॉब में एटलीस्ट एक फिक्स सैलरी होती है ना, आप वेरिएबल सैलरी पे काम कर रहे हो, क्योंकि आपको सैलरी तभी मिलेगी जब आप उनका प्रोडक्ट सेल करोगे, चाहे वो कितना भी ओवर प्राइस प्रोडक्ट हो। तो पहला मिथ तो ये हटा दिया, मेरे को लगता है कि अभी हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यूनेट एक ई कॉमर्स, मतलब आपको ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कराती, और क्यूनेट ना तो कोई ई कॉमर्स बिजनेस कराती है, डेट कंपनी इज डूइंग मनी सर्कुलेशन। हाँ, सिस्टम के साथ थोड़ा प्ले किया है, इलीगल नहीं है, बट रियल सेंस में मनी सर्कुलेशन ही हो रहा है। फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बोलेंगे कि हमारा अभी अहमदाबाद में एक चीज हुई थी, उसके अंदर 10,000 लोग आए थे ना, मोर देन 10,000 लोग आए थे की गैदरिंग हुई थी। तो आप बोलते हो कि यार 10,000 लोगों की गैदरिंग थी, और फिर आपसे क्या पूछेंगे, 10,000 लोगों की गैदरिंग थी अहमदाबाद में, लगता है आपको कि किसी गलत कंपनी के साथ 10,000 लोग खड़े हो जाते? आप सोचते हो यार इतने हजारों लोग जड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी तो सही होगी। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं दोस्तों, कि बाबा राम रहीम का हमने केस सुना था, हमने उससे पहले आसाराम जी का भी केस देखा, मैं नहीं जानता कि वो सही थे या गलत थे, ना मैं कोई जजमेंट पास कर सकता हूं, बट उनके फॉलोअर्स तो करोड़ों में थे। अगर 10,000 की गैदरिंग से क्यूनेट बोलती है कि वो सही है, क्योंकि उसके वहां पे 10,000 लोग, हिंदुस्तान 131 करोड़ लोग, 131 करोड़ लोगों के अंदर कितने पागल है, कहीं भी खड़े जाते हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है
कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, इनको लगता है जहां भीड़ हो रही है इकट्ठे हो जाओ, दिमाग अपना लगाना नहीं, बिकॉज दिमाग लगाया नहीं जाता उनको, इस तरीके से ब्रेनवॉश किया जाता है उनको, लगता है ई-कॉमर्स ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमें तो करनी चाहिए। तो वो क्या है, अल्टीमेटली लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 10,000 की गैदरिंग से अगर क्यूरेट सही है तो करोड़ों फॉलोअर्स वाले बाबा राम रहीम गलत कैसे? अगर बाबा राम रहीम तो इसका मतलब क्या है कि फॉलोअर्स से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंपनी सही है या गलत है, क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोअर खड़े हो गए तो ये सही होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये उनका रीजन जो है, जो उनका लॉजिक है, बिल्कुल थर्ड क्लास लॉजिक है, इसके पीछे कोई सेंस है नहीं। फिर उनकी एक और बड़ी चीज आती है आप लोगों से मिलेंगे तो, कि भाई अगर हमारी कंपनी ऐसी होती तो हमारे फंक्शन में आने तो पूरा आते हैं, या और भी एटसेट्रा और स्टार्स आते हैं, इतने सारे स्टार आते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, इतने सारे बड़े बड़े स्टार आए हैं ना, तो क्या हुआ आते ऐसी कंपनी के साथ वो लोग जुड़ते? तो फ्रेंड्स लेट्स बी प्रैक्टिकल, आपको क्या लगता है कि स्टार कैसे आते हैं? क्या स्टार को किसी शो में लाने के लिए, या स्टार का क्या बोलते हैं हम को स्टेज पर चढ़ाने के लिए? आप अपने फैमिली फंक्शन के अंदर भी ना अनिल कपूर को ला सकते हो, आप अनिल कपूर को ला सकते हो, आप विवेक ओबराय को ला सकते हो, आप किसी भी स्टार को, इवन आप शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, इनको भी ला सकते हो। स्टार्स मीन्स वो उनकी अर्निंग है। स्टार्स अर्न कैसे करते हैं? स्टार कि उनको लोग फंक्शंस में बुलाते हैं, दे चार्ज फॉर दैट, और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनको नहीं पता होता है कि चीज क्या है, उनको आप बुलाओ तो आपके वहां पे आ जाएंगे, कोई भी बुलाता है तो वहां पे आते हैं, क्योंकि उनका वो काम है, उनका वो जॉब है, उनका वो प्रोफेशन है। तो अनिल कपूर को लाना, यार पैसे देके आप अपनी, आपके घर में कोई फंक्शन है ना और आप अगर 50,00,000 रुपए दोगे तो अनिल कपूर आपके वहां पर बर्थडे पार्टी में भी आएगा, क्योंकि उनका वो काम है, उनका प्रोफेशन है। तो अनिल कपूर या इन सबको स्टेज पे चढ़ा के किसको बेवकूफ बना रहे हो? कोई भी स्टार को स्टेज पे चढ़ा के आप क्या बोलते हो लोगों को जाके, देखो हमारे फंक्शन में वो आया था क्या? जो कंपनी करोड़ों रुपए का घोटाला कर रही है, जो हजारों करोड़ का मनी सर्कुलेशन कर रही है, उसके लिए कुछ 1,00,00,000 रुपए, 50,00,000 रुपए खर्च करके 4-5 स्टार्स को 2-4 घंटे के लिए स्टेज पे चढ़ाना कोई बड़ी बात है? बिल्कुल छोटी सी बात है। और फिर आप लोग क्या करते हो वहां पे 50-60,00,000 रुपए जो कंपनी खर्च करती है उससे उनके जो ये 10,000 बेवकूफ हैं, ये और 10,000 बेवकूफ लोगों को पकड़कर उनको भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे कि अनिल कपूर आया था। तो ये तो वो है कि बिजनेस है, आपने इनपुट डाला और आपको आउटपुट मिल गया। वो लोग अपने बिजनेस में क्या इनपुट डालते हैं? अनिल कपूर खर्च किया, लेट्स सपोज अनिल कपूर पे एक्स खर्च किया और अनिल कपूर का या किसी भी स्टार का चेहरा दिखा के उन्होंने 10x कमा लिया। तो ये जो उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि हमारे यहाँ पे स्टार्स आते हैं, इसके पीछे कोई ये इससे कुछ प्रूफ नहीं होता, स्टार कहीं पे भी चले जाते हैं, स्टार को बस पैसे से मतलब होता है। फिर इनका एक बहुत ही तगड़ा आता है कि आप इनको जब सब कुछ बोल लेते हो ना तो ये लास्ट में आते हैं इनका एक बहुत बड़ा रीजन आजकल देखो कंपनी है, अगर आपको कंपनी को प्रमोट करना है तो आप कुछ चीजें ऐसे करोगे कि यार मैं मनी सर्कुलेशन कर रही हूँ बट मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि लोगों के ऊपर ना ट्रस्ट आ जाए, मतलब मेरे को ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है कि उसका रिटर्न ना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे को अगर मैं अपनी विजिबिलिटी नहीं बनाऊंगी ब्रांड एज ए ब्रांड एज ए कंपनी तो लोग मेरे को लाखों रुपए कैसे देंगे, लोग कैसे लूटने को तैयार होंगे। तो होता क्या है, इनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आजकल चल रहा है आईफा अवार्ड्स। ये बोलते हैं कि क्यूनेट कंपनी ने आईफा अवार्ड को स्पॉन्सर किया। चलो इस पे भी आते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि किसी भी अवार्ड को स्पॉन्सर करने के लिए बस पैसा चाहिए होता है, कोई भी देखे स्पॉन्सर कर सकता है। एक तो ये वहां पे एसोसिएट स्पॉन्सर है, पहली बात कि क्यूनेट ने आईफा अवार्ड को एसोसिएट स्पॉन्सर थी जो क्यूनेट कंपनी है। फिर हम आते हैं कि ठीक है स्पॉन्सर भी हो गए, उससे क्या प्रूफ होता है? आईफा अवार्ड का स्पॉन्सर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको पैसा चाहिए होता है। आपको पता है हम कॉलेज का फंक्शन कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज होती है अगर सोसाइटी वगैरह कहीं पे भी, तो स्पॉन्सर कैसे ढूंढे जाते हैं? ये नहीं बोलते कि वो हमें ये स्पॉन्सर चाहिए वो चाहिए, वो बोलते कि हमें, हम किसी को भी स्पॉन्सरशिप दे देंगे जो हमें पैसा देगा। मीन्स स्पॉन्सरशिप आती है पैसे से। और अगर आईफा अवार्ड को स्पॉन्सर करके वो लोग बोलते हैं कि क्यूनेट जैसी थर्ड क्लास कंपनी जो मनी सर्कुलेशन कर रही है प्योरली वो सही होगी, तो फिर दोस्तों हम एक कंपनी के ऊपर बात करते हैं
क्या था? डो केमिकल, डो केमिकल जो कि पेरेंट कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की पेरेंट कंपनी थी डो केमिकल, जो कि रिस्पॉन्सिबल थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। रिस्पॉन्सिबल थी फॉर भोपाल जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब एक चीज देखो दोस्त, एक कंपनी डो केमिकल जो कि रिस्पॉन्सिबल थी यूनियन कार्बाइड जिसकी पेरेंट कंपनी डो केमिकल थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें अनगिनत लोगों की जाने गई थी, अनगिनत लोगों की जान गई थी, अनगिनत लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। इस कंपनी ने 2016 के अंदर रियो ओलंपिक्स को स्पॉन्सर किया था। अब एक चीज देखो सर, आईफा अवार्ड एक छोटी सी चीज है, इंडिया में जानता कौन है इंडिया के अलावा, और इंडिया में भी वैसे पता नहीं कितने अवार्ड हैं। तो आईफा अवार्ड को स्पॉन्सर करना पता कोई भी कर सकता है, आपको बस पैसा चाहिए, ये प्रूफ नहीं करती कि आप एक अच्छी कंपनी हो जाते हो। एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं ना, ये जानबूझ के स्टार्स को लाना, स्पॉन्सर करना, यहां लगाना, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इनको पता है ये सब इन पे क्यों पैसा लगाते हैं, ये क्योंकि इन इवेंट पे इसलिए पैसा लगाते हैं, इनको पता है कि स्टेज पे इनको अवार्ड को चढ़ाने में अगर 50 लाख लग रहा है तो उसके थ्रू हम 50 करोड़ कमा लेंगे। आईफा अवार्ड स्पॉन्सर करने में लेट सपोज 50 करोड़ लग रहा है तो उसके थ्रू हम 500 करोड़ कमा लेंगे। तो वो बिजनेस कर रही है प्योर, और आपके माइंड्स के साथ खेला जा रहा है, आपके आपको साइकोलॉजिकली ऐसा डाला जा रहा है ना कि यार बहुत बड़ी कंपनी है और ये जो इवेंट्स हो रही है ना यहाँ पे ये बहुत तगड़ी इवेंट हो रही है कुछ, बट इनका इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसे से है। कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो पैसे के बिना नहीं कर सकते आप, जो पैसे पैसा होना चाहिए आपके पास वो नहीं देखेंगे आप कौन हो। और आईफा अवार्ड स्पॉन्सर करके अगर क्यों नहीं अच्छी कंपनी बन सकती है, तो डो केमिकल जो कि यूनियन कार्बाइड की पेरेंट कंपनी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अनगिनत लोगों की जान गई, उसने 2016 का रियो ओलंपिक स्पॉन्सर किया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको मना किया, ओलंपिक टीम को, कि यार इसको मना करो, ये हमारे यहाँ पे इतने लोगों की अनगिनत लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी लाइफ के लिए। बट फिर भी हुआ क्या, उनको रखा गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है कि आप पैसा दो, हम कोई जज थोड़ी ना है, हम कोई लीगल सिस्टम थोड़ी ना है किसी कंट्री के कि हम बोलेंगे कि नहीं ये गलत है इसको नहीं देंगे, नहीं ये सही है इसको देंगे। हम क्या है, हम बोलते हैं कि आपको अगर एसोसिएट स्पॉन्सर बनना है तो आपको लेट्स सपोज 10 लाख देना है, 10 करोड़ देना है, आपको स्पॉन्सर बनना है तो आपको लेट्स सपोज एक्स अमाउंट और ज्यादा देना है। तो हम पैसे के हिसाब से रखते हैं, जो कंपनी हमें पैसा देगी हम उसको स्पॉन्सर बना देंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इनके जितने भी पॉइंट थे, इनका सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि मनी सर्कुलेशन, आप समझ गए हो कि मनी सर्कुलेशन है, जस्ट एक प्रोडक्ट डाल दिया गया है सो दैट कि इलीगल ना रहे। फिर उसके बाद इनका दूसरा था 10,000 की गैदरिंग, अगर 10,000 की गैदरिंग से क्यूनेट सही है तो करोड़ों की